हाय, देखिए आज इन्होंने लाए हैं, आप जानते ही हैं इनको, राम हल्दर। इन्होंने लाए हैं आज इल्शा मच्छी और बहुत सारे हैं, मगर मैं आज ये मच्छी लेने वाली हूँ। देखिए इसको इल्शा मच्छी, इस इल्शा मच्छी कहा जाता है ना। अच्छा, तो ये कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। देखिए ये इनको कैसे करता है, अभी देखिए। इनको पानी में दिया गया, देखो कितना बड़ा इल्शा मच्छी है ना। ये है 1 किलो वजन का इल्शा मच्छी है। देखिए ये अभी इनको कटिंग हो रहा है। हम लोग का कोई भी फिश लीजिए, ये लोग कट के साफ करके बहुत अच्छा से लेके जाते हैं। हम लोग का मच्छी किस में लाते हैं पता है आपको? ये इसमें मच्छी सेल होता है। और क्या क्या मच्छी है तुम्हारा उसमें? अच्छा, आज दो तरीके से मच्छी है उनके पास, लोईठा और हिल्सा। अभी हिल्सा मच्छी को आज मैंने लिया हूँ, इसमें बहुत सारी रेसिपी बनाऊंगी, तो एक एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए इसको पहले तो इसको जो छुला जाता है पूरा, देखिए इसको अच्छे से साफ कर दिया। साफ करने के बाद उन्होंने ये पानी से धो लिया है, तो देखिए अभी इसका कटिंग होगा। कट छोटा छोटा मत करना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा साइज बनाना। अरे वाह, देखिए इसमें अंडा भी देखा है ना। अच्छा देखिए, पीस देखिए कितना बड़ा बड़ा, देखा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत अच्छा पीस हो रहा है। ये है इल्शा, देखिए इतना बड़ा बड़ा इसका पीसेस भी कितना बड़ा है, देखिए हम आपको दिखाएंगे। अच्छा से साफ करके चीरा लगा बिना, चीरा लगा बिना क्या तो रख दो था कुछ? हाँ तो वो रखे दो, एक तो हो ही तो हो जाए, तो दिए दो था लाड़ रखते थे। देखिए ये पीस हुआ, देखिए इतना सारे पीसेस हुआ है ना। अच्छा देखिए, तो आज मैंने इल्शा मच्छी लिया है, जो फिश का राजा है, इसको फिश का राजा बोला जाता है। इसका पैकिंग बहुत अच्छा है, इसका सब करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये है इल्शा मच्छी। মাছটা বাঙালির কাটা কাটবো না এখানে কাটা কাটবো কেমন কাটে এমনি মাছখান দিয়ে দু টুকরো করে দাও না ওটা আমাদের বাঙালি কাটা কাটে হ্যাঁ ওটাই এইভাবে বাঙালি কাটা কাটে না হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে আমাদের বাঙালিরা কাটে না এখানকার লোক কাটে কিচ্ছু ভালো না কিচ্ছু ভালো না আমি ধরবো না ওটা আমি মাথাটা ঢুকবো আমি এটা ফেলতো হ্যাঁ, যে আরেকটা কাঙ্ক হয় হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ এটা চলে।
আধা কিলো দিয়েছিল ওটা বাজা আমি নেব না আরে আধা কিলো আমি নেব না আমি নেব না আমি মাথা কেটে দিই মাছ মানে কত দিন যাবে আরে আধা কিলো কত হবে 120 টাকা যে বেশি ছোট হচ্ছে তো দেখিয়ে ये मच्छी मैंने ले चुकी हूं इतना सारे विशेष हुआ है फिर हम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या बनाने वाली हूं ठीक है जी देखिए एक किलो हिलसा में मैंने बड़ा बड़ा पीस किया है तो इतना सारे पीस हो गया देखिए तो मैं आज ये हिलसा माछ भापा बनाऊंगी तो ये भापा मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी देखिए है ना बहुत अच्छा ये एक किलो वेट का हिलसा माछ है तो इसको आज मैं बनाने वाली हूँ देखिए ये हिलसा मच्छी मैं आज भापा बनाने वाली हूँ तो ये भापा मैं कैसे बनाऊंगी और उसमें क्या मसाला दूंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे देखिए मैं सिलबट्टा में मसाला ले लिया ये है येलो सरसों दाना ये है खसखस मतलब पोस्तो और ये है हरी मिर्च इसको हम अच्छा से सिलबट्टा से हम पीस लेंगे पीस लेने के बाद हम क्या करेंगे आपका हम दिखाने वाली हूँ देखिए पहले पीसने दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च मैंने चीरा लगा के रख दिया जो मैं इसको साबुत ऊपर में दे दूंगी तो देखिए पहले हम इसको पीस ले रहे हैं देखिए यहाँ पे मैं सिलबट्टा में खसखस सरसों और हरी मिर्च को हमने अच्छा से पीस लिया है और यहाँ पे हमने हरी मिर्च कट के रखे हैं तो ये सिलबट्टा में पीसी हूँ अभी हम क्या करेंगे ये जो हिलसा माछी है ना इसमें से सबसे बड़े बड़े दो पीस देखिए अंडे वाला देखा कितना बड़ा पीस देखिए मतलब आपको बिलीव नहीं होगा मैं हाथ में दिखा रही हूँ देखिए मेरे हाथ में देखिए पूरा हाथ का बराबर में थोड़ा सा कम पूरा हाथ आ रहा है देखा इतने बड़े फिश है ना तो ये एक किलो जिन का था तो इसमें से हमने सिर्फ दो पीस बनाएंगे ज़्यादा नहीं क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं मैं अकेली खाऊंगी तो इसलिए मैंने दो पीस बनाऊंगी और दूसरा अलग सा कुछ बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी देखिए ये जो दो पीस हिलसा है इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी मैंने फिश में जितना लगाना पड़ता है और थोड़ा सा नमक फिश के हिसाब से है ना मेरा दो पीस है तो थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए इतना थोड़ा थोड़ा देके अच्छा से मिक्स कर लेंगे जो थोड़ा फिश में अच्छा से नमक और हल्दी मिक्स हो जाए ठीक है देखिए ये है नमक और हल्दी हमने लगा लिया अभी इसके ऊपर हमने जो यहाँ पे पीस के रखे हैं जो खसखस सरसों और हरी मिर्च उसको हम अच्छा से उठा ले रहे हैं ये भी थोड़ा सा धो के हमें मच्छी में डाल देंगे ठीक है अभी इसमें दे दिया अभी इसमें मच्छी के हिसाब से माने आपका जो मच्छी भापा होगा उस हिसाब से थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक क्योंकि आप मच्छी में नमक दे चुके हो खाली मसाला के हिसाब से जितना मसाला बनेगा उतना नमक बस उतना नमक और ये जो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो हमने कट के रखी हूँ वो थोड़ा हरी मिर्च ये हमने दे दिया ये हम स्टीम में बनाने वाली हूँ तो स्टीम में मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ये इसमें मस्टर्ड ऑयल देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी ये मस्टर्ड ऑयल दे दिया देने के बाद इसको अच्छा से फिश के ऊपर पूरा लगा लीजिए बिलीव नहीं कीजिएगा ये मच्छी इतना स्वाद होता है इतना स्वाद होता है और कुछ भी नहीं चाहिए आप इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए इतना टेस्टी होता है देखिए मैं अच्छा से लगा लिया लगाने के बाद मैं क्या करूँगी देखिए हमने एक उसमें बनाऊंगी लंच बॉक्स तो लंच बॉक्स में देखिए ये लंच बॉक्स में बनाऊंगी मैं तो ये लंच बॉक्स में आप बोलिएगा कैसे बनाएंगे ये देखिए ये लंच बॉक्स है इसमें हम फिश को सेट कर लेंगे
कैसे सेट करेंगे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें पहले हम नीचे थोड़ा सा मसाला देंगे, मसाला मतलब वही जो मैंने फिश के साथ लगा के रखी हूँ, है ना। ये मसाला दे दीजिए, उसके बाद दो फिश को जैसे अच्छा से आ जाए ऐसा इसको दे दीजिए, दोनों को देखिए आ गया ना फिश। अब ये जो बाकी मसाला है सब इसमें दे दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है पता है, बहुत ज्यादा। सारे मसाला हमने दे दिया, अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर से मस्टर्ड ऑयल दे दीजिए, बस देखिए मस्टर्ड ऑयल दे दिया। अभी इसको ढक्कन बंद कर दीजिए, ये ढक्कन टाइट होना चाहिए, हाँ मेरा टाइट हो गया, देखिए ये ढक्कन बंद कर दिया। इसमें दो हिलसा मच्छी हैं, अभी मैं क्या करूँगी वो देखिए। अभी देखिए मैंने गैस को ऑन किया, प्रेशर कुकर इसमें बैठा दिया। मैं बोलती हूँ ना सारे सब कुछ मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, देख लीजिए। अभी इसमें पानी, देखिए सिर्फ पानी पानी डाल दिया है, ठीक है। और ये वाला, ये प्रेशर कुकर का ही पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता है, ये प्रेशर कुकर के अंदर में देने वाले चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा हम मारने से देखिए इसको ऑपोजिट करके उल्टा करके दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो लंच बॉक्स में पानी ना घुसे इसलिए ये ऊपर रहेगा। ये देखिए ये ऊपर, ये स्टीम में बनने वाले हैं। तो मैं देख रही हूँ पानी थोड़ा कम हो सकता है, और थोड़ा पानी दे दूंगी इसमें, इसमें मैं और थोड़ा पानी दे दूँ क्योंकि ये स्टीम में बनेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ये स्टीम में बनेगा। तो देखिए मैंने ऐसा दे दिया, आप लोगों को दिखाई मैंने कैसे कैसे किया। अभी ये हमने अंदर में ये क्यों दिया, क्योंकि पानी उबलेगा ना तो ये लंच बॉक्स में पानी घुस सकता था, तो इसलिए हमने ये कटोरी उल्टा करके दे दिया, जो जितना भी पानी आए इसके ऊपर तो आएगा नहीं, है ना। तो अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से ढक्कन लगा दीजिए। देखिए मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया, लगाने के बाद ये जो विसल है इसको खोल दीजिए। ये देखिए मैंने इसको खोल दिया, बस इसको स्टीम में होने दीजिए। उसके बाद दिखाऊंगी मैं इलसा मच्छी भापा, मैंने स्टीम में इलसा मच्छी मैंने कैसे बनाई। ये देखिए मैंने विसल खोल दिया, पानी दे दिया, उसके ऊपर एक कटोरी रख दिया, उसके ऊपर मैंने लंच बॉक्स रख दिया, बस इसको होने के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए स्टीम में इलसा भापा हो चुका है, मैं अभी गैस को ऑफ कर रही हूँ, गैस का ऑफ कर दिया। अभी इसका स्टीम थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, फिर मैं दिखा रही हूँ मैं मेरा कैसे बना। अभी प्रेशर कुकर को मैं खोल रही हूँ क्योंकि इसका सीटी नहीं है तो इसका स्टीम जल्दी खुल जाएगा। ए देखे खुल गया, देखा ए देखिए है ना। अभी इसको कैसे निकालू क्योंकि ये है बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मुझे कपड़ा से निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया देखिए, ये कपड़ा है मेरा किचन का कपड़ा है, किचन का कपड़े से इसको अच्छा से पकड़िए, गर्म है देख लीजिएगा, ये निकल लिया, इसमें कुछ नहीं पानी है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, जिसको हम ऐसा ही रहने दे रहे हैं, हम इसको बाद में देखेंगे। अब भी इसको हम खुलेंगे, हम देखेंगे स्टीम का कैसे बना, मगर खुलेंगे कैसे इतना गर्म। तो मैंने पहले खोल दूँ फिर आपको दिखा रही हूँ कैसे बना मेरा स्टीम का इलसा भापा। देखिए ये देखिए इसमें से मैंने निकल लिया, इसमें ये है स्टीम में बनाई हूँ, वो भी प्रेशर कुकर में, यह है इलसा भापा। कैसे बना है ना, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत
और बहुत बड़ा भी मच्छी और अंडा वाला, ये देखिए पेट में अंडा है, देखिए ये भी अंडा और ये भी अंडा, ये हो गया इल्सा स्टीम वाला इल्सा। तो अगर मेरा ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय।